जोर से जोर से रोक क्यों गए यार। शुभ नाम मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, इसमें अर्ली वर्ड थोड़ा जल्दी हो गया, तो अर्ली हटा दें तो क्या उत्तर हो जाएगा? एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। बहुत बहुत बधाई, तालियां जोर से बजाएं इनके लिए। आप 1984 में एक फिल्म आई थी सारांश, तहलका मचा दिया और कालजयी फिल्म बन गई और उसी से आरंभ होता है अनुपम खेर का करियर। हाल ही में क्या विशिष्ट बात थी कि 25 वर्षों के बाद फिर इस फिल्म का प्रीमियर संपन्न हुआ? क्या विशिष्ट बात, क्यों किया गया, क्या कारण? क्योंकि दुनिया में आज तक सारांश फिल्म के अतिरिक्त 25 वर्ष बाद किसी भी फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ। क्या विशिष्ट बात थी सारांश? याद कीजिए सारांश। अनुपम खेर अभिनेता बने इसी फिल्म से, ये पहली फिल्म थी, तो उनको एक्टिंग करते हुए 25 साल हुए। उन्होंने कहा इस 25 साल को, इस जुबली को कैसे मनाएं, तो उन्होंने उपयुक्त ये समझा कि उस फिल्म का पुनः प्रीमियर किया जाए, तो उन्होंने प्रीमियर किया। इतनी बढ़िया एक्टिंग अनुपम खेर के लिए, बजाइए तालियां आप। अब हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं जिसमें एक धावक नजर आएगा, आपको पहचानना उनको और बताना है नाम, और यह भी बताना है कि हाल ही में क्या विशिष्ट बात हुई थी जिसके लिए ये सुर्खियों में है। आप ही हाथ खड़ा कर रही हैं मिस यादव, आपके अतिरिक्त कोई लड़की ने हाथ खड़ा नहीं किया है, तो क्या बात है? स्पोर्ट्स के बारे में क्या रुचि नहीं है, स्पोर्ट्स को आप पढ़ते नहीं है? मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का जो उद्देश्य है या उसकी जो उपादेयता है या उसका जो संदेश है वो ये है कि चीजों को छोड़े नहीं, बिकॉज आज के इस फियर्सली फॉट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में कोई भी चीज ऑप्शनल नहीं है कि इसको हम छोड़ सकते हैं। आपको हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और विशेष रूप से जबकि इतिहास की रचना की जाती है। हाँ सर, यूसेन बोल्ट। अच्छा, क्यों सुर्खियों में है अभी ये? सर, इसने 150 मीटर की, हाँ 150 मीटर की दौड़ जीती। क्या रिकॉर्ड बनाया, कितने समय का? कोई बात नहीं, फिलहाल आप पहुंचे, पुरस्कार आपको देंगे। एक पुरस्कार अगर आप ये बताएंगे कि कितने समय में इन्होंने ये दौड़ जीती, अगर आप समय बता देंगे तो एक पुरस्कार आप बताएंगे। 8.42 9 point something में 100 मीटर और 18 point something में। नहीं, 100 मीटर की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां तो 150 मीटर्स की दौड़ उन्होंने जीती है, और पुराना रिकॉर्ड, बहुत पुराना था, तोड़ा है उन्होंने। कितना समय इन्होंने लिया है? 8.06 एक 150 मीटर 100 मीटर्स ये नहीं है। शुभ नाम आपका? नरेश जी, थोड़ा जोर से बोलिए, तसली से बोलिए, जब आपको जानकारी है तो धुआंधार तरीके से उसका प्रकटीकरण कीजिए, ठीक है? यस सर। तालियां बजाइए इनके लिए आप। 14.35 सेकंड्स में इसे पूरा किया। आप जो बोलने का प्रयास कर रहे थे वो आप कर रहे थे 100 मीटर्स के आसपास, आप उसको जा रहे थे। ये 150 मीटर्स की बात है, और विशेष बात यह है कि आपने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो रिकॉर्ड 1983 में बनाया गया था, और 14.80 सेकंड्स वो समय लिया था, इटली के मेनिया थे उन्होंने, और 83 के बाद में अभी जाकर के ये रिकॉर्ड टूटा। और विशिष्ट बात यह है कि कुछ ही दिनों पूर्व बोल्ट का एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट, और पैर में चोट आई थी। लोग नहीं सोचते थे कि ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने करिश्मा कर दिया, क्योंकि ये कहते हैं कि जो मेरा कोच है, उस कोच ने मुझसे ये कहा था कि आप 14.54 सेकेंड्स में आप इसे जीत सकते हैं। उन्होंने 0.54 किया, उन्होंने 0.35 में जीत ली।
बिरले ही होते हैं, ऐसे लोग जो धुन के धनी होते हैं, हमें भी बनना है, उनसे प्रेरणा लेनी है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, उनका मकसद यही है कि हम उनसे प्रेरित हों। तालियां बजाइए सम्मान के रूप में ऐसे लोगों के प्रति। आप हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि अंतरिक्ष के अंदर एक दूरबीन को ठीक कर रहे हैं कुछ अंतरिक्ष विज्ञानी। आपको बताने दो सवाल कि ये कौन सी दूरबीन है, उस आपको बताना टेलीस्कोप कौन सा है, एक तो उसका नाम, एक पुरस्कार तो उसका, और जिस यान में ये गए और अब वापस लौट के आ चुके हैं हाल ही में, उस यान का नाम, तो एक पुरस्कार और। आप खड़ी होइए, आप कौन से पुरस्कार का उत्तर देंगी आप? सर टेलीस्कोप का नाम बताइए। हबल टेलीस्कोप। हबल, बिल्कुल सही। तो आप तो पहुंचे वहां पर। अच्छा, आप बताएंगे कौन सा यान था जिसमें ये गए और उसको रिपेयर कर करके हबल टेलीस्कोप को ये वापस आए। आपने पढ़ा है, बड़ा ही पॉपुलर नाम है, बड़ा ही पॉपुलर नाम। अटलांटिस। यस, बिल्कुल सही, अटलांटिस। तालियां जोरों से बजाइए। और देखिए, मेरा दावा है कि आप में से अधिकांश लोगों को अटलांटिस मालूम था, लेकिन आप लोगों ने संकोच किया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, प्रश्नोत्तरी का मकसद ही है कि आप आएं, कैमरे के सामने बोलें, थोड़ी सी हिम्मत जुटाएं। अगर थोड़ी सी हिम्मत जुटाएंगे तो सफलता वरण आपका करेगी। तालियां बजाइए इन दोनों के लिए। आप शुभ नाम? राजश्री कुलवाल। राजश्री जी, और आपका शुभ नाम? बीना। मीना। मीना जी, देखिए आपको जानकारी थी लेकिन एटलांटिस की जानकारी भी आपको होनी चाहिए थी। तालियां फिर भी बजती चाहिए दोनों के लिए। आप आईफा अवार्ड्स पिछले 10 सालों से, तो पहले आपको दो जुड़े हुए सवाल बताने हैं कि कौन है ब्रांड एम्बेसडर। 2000 में शुरू हुए ये अवार्ड्स और उद्देश्य यह था कि भारतीय संस्कृति और सिनेमा का प्रचार प्रसार किया जाए, दुनिया के लोग उसे जानें। और आज 2000 में सबसे पहले लंदन में आरंभ हुआ, 9 शहरों में विश्व के और 3 महाद्वीपों में ये जा चुके हैं। आपको ये बताना है पहला तो ये कौन है, और दूसरा आपको ये भी अगर आप बता सकें कि हाल ही में किस जगह की चर्चा है जहां आईफा अवार्ड समारोह। यह है प्रश्न। मिला आपको पुरस्कार? भाई तो कोई बात नहीं। सर ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, और सर जगह गरम बर्लिन। बर्लिन, ओके, कोई बात नहीं। और कोई उधर से? मलेशिया। मलेशिया, बीजिंग। बीजिंग, बैंकॉक। बैंकॉक, बैंकॉक, आप सभी जानते हैं, भूल गए आप? फ्रांस। फ्रांस, शहर का नाम? दुबई। दुबई, कोई मकाओ है क्या ऐसा कोई? मकाओ याद आ गया, याद आ गया ना, तो आप भूल गए थे। ओके, लोगो भी जारी किया गया था कुछ दिनों पहले, उसका जो मास्कट था वो भी जारी किया गया था, और अमिताभ बच्चन द्वारा किया गया था। तो आइए, अमिताभ बच्चन जिन्होंने बताया वो तो पुरस्कार के लिए आइए, तालियां बजाइए इनके लिए फिलहाल। आप शुभ नाम? निखिल। निखिल जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां इनके लिए बजाइए। अब देखिए, जब अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, सदी के महानायक की बात करते हैं, तो उसी के साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं एक चित्र। आप देखें, उनके पुत्र और पुत्र वधु आपको नजर आ रहे हैं इस चित्र में। आपको यह बताना है कि यह सुर्खी बना चित्र किस अवसर का है, कि किस समारोह के अवसर पर यह पोज इन दोनों द्वारा दिया गया है, यह बताना है आपको, और जीतना है पुरस्कार। मिला आपको पुरस्कार? ठहरिए, मिल चुका है, कोई बात नहीं। आपको मिला है? नहीं मिला है, बताइए। कौन फिल्म फेस्टिवल? कौन या कान? कान। कान फिल्म, आइए तालियां बजाइए जोरों से। मैंने सोचा आप मुझसे पूछ रही हैं कौन सा फिल्म समारोह।
शांति क्यों है? शिवनाम हिना हिना हिना, देखिए कान फिल्म समारोह के अवसर पर एक चीनी फिल्म का प्रदर्शन किया गया था, उसके अवसर पर एक दूसरे के लिए, एक दूजे के लिए जो बने हैं उनकी ये जोड़ी थी। आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध कीजिए, थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।